Good morning, student. In our previous video, we studied about the law of mass action and the rate law. Today, we will discuss about what is the difference between rate law and law of mass action and the order of the reaction. According to the rate law, rate of the reaction is depend upon the concentration term on which is actually depend the rate of reaction and it is observed by experimentally. तो हम जो रेट लॉ लिखते हैं वो किसके ऊपर बेस होता है, एक्सपेरिमेंट के ऊपर बेस होता है, जबकि लॉ ऑफ मास एक्शन इट इज बेस्ड ऑन द स्टोइकोमेट्रिक इक्वेशन। इट इज बेस्ड अपॉन स्टोइकोमेट्रिक इक्वेशन एंड रेट लॉ इज बेस्ड अपॉन द एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन। ये दोनों में क्या होता है, बेसिक डिफरेंस होता है कि जैसे आपके पास कोई भी रिएक्शन है, जनरल रिएक्शन है, तो आपके पास प्रोडक्ट बन रहा है, तो अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, रेट लॉ, रेट ऑफ द रिएक्शन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट and raised to the power is may or may not to the same of the stoichiometric coefficient। यहाँ पे जो power में आया है वो same ये भी हो सकता है, इसके अलावा और कोई भी coefficient हो सकता है, but according to law of mass action rate is directly proportional to the product of the molar concentration of the reactant and raised to the power of the stoichiometric coefficient। यहाँ पे जो भी होंगे वन होगा टू होगा वही कहाँ पे जाएगा, इसकी पावर में जाएगा। इसके ऊपर बेस है लॉ ऑफ मास एक्शन, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट के ऊपर बेस है, जबकि रेट लॉ आपके पास बेस है एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन में बेस है। तो आज हम पढ़ेंगे ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इट इज डिफाइंड एज द सम ऑफ द पावर्स ऑफ मोलर concentration of the reactant in rate law equation। तो हम order को कैसे define करेंगे कि आपके पास एक जनरल rate law equation है जिसके अंदर concentration की जो power है ये किसके अकॉर्डिंग है, अकॉर्डिंग टू द रेट लॉ, कंसंट्रेशन की पावर का जो सम है वो क्या कहलाएगा आपका, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आप कैसे लिखेंगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू सम ऑफ द पावर ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट मींस अल्फा प्लस बीटा। यहाँ पे रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन की जो पावर होगी उसका सम क्या कहलाएगा हमारे पास, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। इफ सम ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू जीरो, अगर ये सम जीरो आता है तो आपके पास रिएक्शन किस ऑर्डर की होगी, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। इफ अल्फा प्लस बीटा is equal to 1, the reaction is first order। If alpha plus beta is equal to 2, the reaction is second order and so on।
Now order is the sum of the power of the molar concentration of the reactant in a Rayleigh equation. कि आपके पास एक किसी रिएक्शन का रेट इक्वेशन दी हुई है, इसके अंदर जो मोलर कंसंट्रेशन की पावर है उसका जो सम है वो क्या, उसको क्या कहेंगे हम, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन बोलेंगे. अगर आपके पास ये जो सम जीरो आएगा तो रिएक्शन कौन सी होगी, जीरो ऑर्डर. अगर ये सम आपके पास वन आएगा तो रिएक्शन होगी फर्स्ट ऑर्डर. अगर टू आएगा तो सेकेंड ऑर्डर, थ्री आएगा तो थर्ड ऑर्डर एंड सो. नाउ सम एग्जाम्पल्स ऑफ द जीरो, फर्स्ट एंड सेकेंड ऑर्डर रिएक्शंस. First example of zero order reaction. Zero order reaction means जिसके अंदर alpha plus beta क्या हो, zero हो. Means ऐसी reaction जिसके अंदर rate of reaction does not depend upon the concentration of the reactant. Concentration of reactant पे depend नहीं करेगा रेट ऑफ द रिएक्शन. तो इस रिएक्शन के अंदर ऐसी जीरो ऑर्डर जो रिएक्शंस होंगी उसका जो रेट होगा वो किसके इक्वल होगा, रेट कांस्टेंट के. क्या हमारे पास रेट कांस्टेंट, हमने ये प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि के इज कॉल्ड द रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन. नाउ फॉर एग्जाम्पल एच टू प्लस सी एल टू, दिस विल गिव टू एच सी एल. Experimentally, it is found that the rate of this reaction is independent upon the concentration of the hydrogen and chlorine. Yeah, rate la kis pe depend hai hamare paas, experimental observation pe depend hai. Aur experimental observation kya kehti hai ki aapke paas jo aapke ye reaction hai iska jo rate hai wo independent hai kiski concentration ke upar, reactant ki concentration pe. It means ये इसका जो रेट है वो क्या होगा, R इज इक्वल टू के, कि यहाँ के यहाँ पे जो रेट है वो किस पे डिपेंड नहीं कर रहा, कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं कर रहा. तो ये आप कौन से ऑर्डर रिएक्शन, आपकी जीरो ऑर्डर रिएक्शन. ऐसे और बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन के. नाउ सेकेंड एग्जाम्पल फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन मीन्स जहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, वन होगी. या फिर आप ये कहो जहाँ पे जो रेट है वो किस पे डिपेंड करेगा, कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट पे डिपेंड करेगा. यहाँ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट की पावर कितनी है, वन. तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी कितना हो जाएगा, यहाँ पे वन हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल एच टू ओ टू एंड डिकम्पोज टू गिव एच टू ओ प्लस में हाफ ओ टू. Then rate of this reaction is equal to the molar concentration of the reactant. यहाँ पे reactant क्या है, H2O2, और इसके बाहर कितने moles हैं, वन. तो इसकी power में कितना चला जाएगा, वन चला जाएगा. तो इस reaction का order क्या कितना हो जाएगा, is equal to वन. तो ये आपकी कौन सी order reaction है, first order reaction है. फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी होगी, अगर वन होगी तो रिएक्शन कौन सी होगी, फर्स्ट ऑर्डर. या फिर आपके पास जो रेट ऑफ रिएक्शन होगी इस पर डिपेंड करेगा, कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट पे डिपेंड करेगा, तो वो कौन सी रिएक्शन होगी, फर्स्ट ऑर्डर. यहाँ हमारे पास एक एग्जाम्पल है, इस रिएक्शन का रेट कैसे लिखेंगे, आर इज इक्वल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, और इसके बाहर वन मोल है, इसकी पावर कितनी होगी, वन. इस रिएक्शन का ऑर्डर कितना होगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगी. सम मोर एग्जाम्पल of the first order reaction, SO2 Cl2, this will give SO2 plus Cl2. The rate of this reaction is equal to molar concentration of the reactant. Again, यहाँ पे reactant की जो molar concentration की जो power है वो कितनी है, यहाँ पे वन है. तो यहाँ पे order of reaction कितना हो जाएगा, वन हो जाएगा. ऐसे ही आपके पास सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है.
सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन में अल्फा प्लस बीटा कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, और सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के अंदर आपके पास रेट ये भी हो सकते हैं कि आपके पास तो अगर दो डिफरेंट डिफरेंट रिएक्टेंट है तो उनकी जो पावर, इसकी पावर 1 है इसकी 1 है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना हो जाएगा, 2, और रेट ऐसे भी सेम रिएक्टेंट भी हो सकता है, तो यहाँ पे पावर कितनी है, 2, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो नाउ सम एग्जांपल ऑफ द सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, HI this will decompose to give H2 plus में I2. The rate of this reaction is equal to the molar concentration of the reactant. और इसके बाहर 2 लिखा है तो वो कहाँ चला जाएगा, इसकी पावर में। तो इस रिएक्शन का जो ऑर्डर होगा वो कितना होगा, 2। Now some more example, NO will react with ozone. This will give nitrogen dioxide and oxygen. The rate of this reaction R is equal to product of the molar concentration of the reactant and is to the raise to the power of the यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, इसकी पावर में कितना जाएगा, 1। तो यहाँ पे अगर हम, यहाँ दो डिफरेंट रिएक्टेंट है, मैंने बताया था आपको स्टार्टिंग में कि अगर दो डिफरेंट रिएक्टेंट होंगे तो उन दोनों की पावर पे सम करेंगे तो कितना आना चाहिए, 2, तभी वो कौन सी रिएक्शन होगी, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होगी। तो यहाँ पे हम इस रिएक्शन का अगर ऑर्डर निकालते हैं रेट से, इसकी पावर भी 1 है, इसकी पावर भी 1 है, तो यहाँ पे ऑर्डर कितना आता है, 2, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन आती है ये। ऐसे ही आपके थर्ड ऑर्डर, नाउ सब फ्रैक्शनल ऑर्डर, कुछ ऐसी रिएक्शंस होती हैं जो फ्रैक्शनल ऑर्डर भी होती हैं। फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन, जैसे हमारे पास एक ये रिएक्शन है, एक्सपेरिमेंटली इट इज फाउंड दैट आर रेट ऑफ दिस रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इन रेज टू द पावर 1.5। मीन्स अगर इसकी पावर 1.5 है तो इस रिएक्शन का ऑर्डर कितना है, 1.5, एंड दिस इज द फ्रैक्शनल नंबर, एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड द फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन। नाउ सम न्यूमेरिकल ऑन द बेसिस ऑफ द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे आपके बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर आता है कि आपको अगर फ्रैक्शनल नंबर, एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड द फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन। नाउ सम न्यूमेरिकल ऑन द बेसिस ऑफ द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे आपके बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर आता है कि आपको अगर आपको आर की वैल्यू गिवन है, कोई भी जर्नल रिएक्शन है, इसकी आर की वैल्यू गिवन है, रेट इज गिवन, देन यू विल कैलकुलेट द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। अगर आपके पास ये रेट ऑफ रिएक्शन गिवन है क्वेश्चन में, तो आपने क्या फाइंड आउट करना है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं, मोलर कंसंट्रेशन की पावर का सम, 1/2 प्लस 3/2 कितना हो जाएगा, ये रिएक्शन कैसी होगी, ये सेकंड ऑर्डर। और भी बहुत सारे एग्जांपल है, जैसे आपके पास यहाँ है गिवन है एक रिएक्शन का रेट 3/2 एंड पावर ऑफ बी इज -1, द ऑर्डर ऑफ दिस रिएक्शन इज, आपने पावर का सम करना है तो 3/2 - 1, तो आपके पास कितना आएगा, ये 1/2, या फिर आप कह सकते हो 0.5। मीन्स ये रिएक्शन कैसी है, फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन भी हो सकती है। तो आपके पास 0 ऑर्डर रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड, थर्ड, सो ऑन, एंड सब रिएक्शन आर कॉल्ड फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन। Now, next numerical is the basis of the order of the reaction. The rate of reaction is this.
पास किस रिएक्शन का रेट गिवन है, हाउ वुड चेंज द रेट ऑफ रिएक्शन. वेल फर्स्ट क्वेश्चन है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच पॉजिटिव इज डबल. सेकेंड इसका पार्ट है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आई नेगेटिव आयन इज हाफ. एंड थर्ड पार्ट इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ईच is triple. अगर आपके पास ये किसी रिएक्शन का रेट है, कहते हैं उसका रेट ऑफ रिएक्शन कैसे चेंज, क्या चेंज आएगा उसके रेट ऑफ रिएक्शन में अगर आप एच पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन डबल करते हैं. तो हमने एज्यूम किया है that concentration of NO2 negative is A, concentration of I negative is B, and concentration of H positive is C. Now our first question is, first question में क्या कहा है कि अगर H positive आयन की concentration हम double करते हैं, means concentration of H positive आयन is double. अगर C है तो वो कितनी हो जाएगी, 2C हो जाएगी. तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, NO2 नेगेटिव की कंसंट्रेशन यहाँ पे A है, I नेगेटिव की कंसंट्रेशन हमने क्या मानी हुई है B, और H पॉजिटिव की क्या मानी हुई है हमने कितनी है 2C, और इसके ऊपर स्केयर है, आप इसको स्केयर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 4K A B C स्केयर. मींस आपका रेट ऑफ रिएक्शन कितना हो जाएगा 4 टाइम्स इंक्रीज करेगा. ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन. नाउ सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज कि कंसंट्रेशन ऑफ आई नेगेटिव इज हाफ. हाफ मींस अगर हमने स्टार्टिंग में उसकी बी मानी है तो उसकी अगर हम कंसंट्रेशन कितनी कर दें, हाफ कर दें, तब रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा. अगेन आप इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास आएगा ये हाफ के ए बी सी स्केयर, क्योंकि एच पॉजिटिव के ऊपर स्केयर है. इस केस में, सेकंड केस में सिर्फ आप आई कंसंट्रेशन ऑफ आई नेगेटिव आयंस की हाफ करेंगे, बाकी आप यही कंसंट्रेशन लेंगे सेकंड केस के अंदर. तो यहाँ पे एच पॉजिटिव की सी है तो यहाँ पे सी पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा सी स्केयर, मीन्स रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा हाफ टाइम. नाउ थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट में क्या है कि कंसंट्रेशन ऑफ ईच आयन आर ट्रिपल. अगर सबकी कंसंट्रेशन को आप क्या कर देते हैं ट्रिपल, उस केस के अंदर रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा. अर्थात आर इज इक्वल टू के थ्री ए इंटू थ्री बी इंटू थ्री सी स्क्वायर. मीन्स आपके पास जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो कितने टाइम इंक्रीज कर जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन आपकी 81 टाइम्स कितने टाइम इंक्रीज कर जाएगा 81 टाइम्स. तो इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं. ये इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन कि आपके पास एक ही न्यूमेरिकल है जिसके अंदर के आपको रेट इज गिवन एंड थ्री कंडीशन इज गिवन. फर्स्ट इज इफ द